Hi guys, welcome back to our channel and I'm Priyanka as you know. और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि है हमारे वीरे में गोल्ड मटेरियल का. जैसे कि हम लोग पहले जब 3ds Max सिर्फ यूज़ होता था जिस टाइम पे हमारा वीरे नहीं आया था तो रेट्रेस के थ्रू हम लोग क्रोम मटेरियल के साथ अपने गोल्डन कलर के मटेरियल्स को बनाया करते थे. तो अब वो गोल्डन कलर के मटेरियल हमारे वीरे में किस नंबर और किस वैल्यूज़ के साथ बनते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी. और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में आपको इन गोल्ड मटेरियल्स के जो भी मैं वैल्यूज़ इसमें डालूंगी उनके मैं नोट्स आपको बना के इसमें वीडियो में लास्ट में आपको दे दूंगी. दूसरी चीज़, आप लोगों को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो गोल्ड मटेरियल है वो कहाँ पर यूज़ होना चाहिए, कहाँ पर नहीं यूज़ होना चाहिए. ज़्यादातर लोग जिस टाइम पे कोई डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाते हैं तो वो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है. तो गोल्ड मटेरियल्स बनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो लोग अपने लॉक्स को बनाते हैं या अपने हैंडल्स को बनाते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटीरियर्स में होती है. तो लेट्स गेट, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया अपने पैरामेट्रिक डिज़ाइन के साथ बना के रखा हुआ है. जो ये तीन बॉल्स हैं, इन तीन बॉल्स में मैं आपको बताती हूँ कि तीन अलग अलग गोल्ड मटेरियल किस टाइप से बनेंगे. तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिस टाइम पे हम लोग गोल्ड मटेरियल बनाते हैं तो गोल्ड या सिल्वर या ग्लास या मिरर कोई भी ऐसी चीज़ है वो हमारा रिफ्लेक्ट वैसे ही करेगा जैसे उसके आसपास की चीज़ें बनी होंगी. आसपास की चीज़ें होंगी, आसपास की लाइट होंगी, उसके हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करता है. तो देखेगा यहाँ पर जो वीरे का कुछ जो मटेरियल बॉल्स हैं, मैं इन लोगों में यहाँ पे गोल्ड वन डाल दिया. दूसरी चीज़, जैसे अभी तक हम लोग डिफ्यूज से बिट मैप करके हम लोग कोई मटेरियल लेके आ जाते हैं अंदर, तो हमारा क्या है, गोल्ड में हमारा खेल होता है हमारी आरजीबीज की वैल्यू का, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू की जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं वो कैसे डलती हैं. और ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इन्हीं वैल्यू से डलेंगी, ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैंने अपने प्रैक्टिस पीरियड में अपने नोट्स में लिखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. और इन चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. डिफ्यूज़ में जो हमारा रेड का कलर है वो है 49, ग्रीन का कलर है हमारा 20 और ब्लू का कलर है हमारा 8. इसको ओके कर लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्ट में भी सेम चीज़ है, हमारी आरजीबी इसकी वैल्यू चलेंगी. तो रिफ्लेक्ट में रेड है हमारा 240, 161, 1 एंड 80. आर ग्लॉसिनेस यानी कि रिफ्लेक्ट ग्लॉसिनेस है इसकी 0.998. उसके बाद हमारा जो फ्रेशनल, ये जो हमारा IOR है इसका हमारा टिक बंद रहता है ज़्यादातर, इसको ऑन करके यहाँ पे 25 डाल दीजिए. और मैक्स डेप्थ है हमारी यहाँ पे 10. दैट्स इट्स वेरी सिंपल, इसको बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. और ये जो वैल्यूज़ हैं आप अपने पास नोट करके रख लीजिए, तो इट्स वेरी ईजी टू मेक. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बताती जा रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आता है स्टूडेंट्स के. तो मैं दूसरा गोल्ड बनाती हूँ, गोल्ड 2. सेम चीज़ है, इसमें जो आर जी बीज की वैल्यूज़ हैं वो आर जी बीज की वैल्यूज़ है हमारी गोल्ड 2 की, 65, 23 एंड 4. बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं. रिफ्लेक्ट की वैल्यू है इसमें 240, 165 एंड 86. आर ग्लॉसिनेस इज ऑल्सो सेम, 0.998 एंड इसका फ्रेशनल IOR है 25 अगेन. इसका फ्रेशनल रिफ्लेक्शन का जो टिक आता है ना यहाँ पे हमारा, इसको आप ऑन कर लीजिएगा तो ये फर्क दिखाएगा आपका. मैक्स डेप्थ है आपका 10. इट्स वेरी इजी टू. गोल्ड 3 हमारा, आरजीबी की वैल्यूज 52. सॉरी
4 reflection hamari 252 213 136. Professional IOR hamara 25, max depth 10 और रिफ्लेक्ट लॉसिनेस 0.998. मैं इन तीनों मटेरियल्स को, वैसे आप यहाँ पर भी चला के इसको देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ डिफरेंस ज़्यादा पता चलेगा नहीं, और इनको जब मैं इन बॉल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी तो ये बॉल्स के ऊपर मेरे दिखाई देंगी. मेरा प्लेटफॉर्म है गोल्ड वन, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ असाइन मटीरियल. सेकेंड असाइन मटीरियल, थर्ड असाइन मटीरियल, तीनों के कलर डिफरेंसेस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे. दूसरी जो चीज़ है, मैं इसका मेरा जो फ्रेम है, इस फ्रेम में मैं इसको अप्लाई कर दे रही हूँ गोल्ड वन इसके ऊपर, गोल्ड टू इसके ऊपर एंड गोल्ड थ्री इसके ऊपर. मैं यहाँ पे अपनी लास्ट वीडियोस में भी दिखाया था कि मैं वीरे आईएस लाइट में ज़्यादातर अपनी यूज़ करती हूँ इंटीरियर्स के काम में. वो बहुत अच्छी रहती हैं, काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन हम लोगों को देती हैं, तो उसके ही हिसाब से मैं इसको लगा देती हूँ. अभी वीरे की लाइट में कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसकी वैल्यू ऐड कर देती हूँ यहाँ पे. बाकी जिसको डिटेल्स में वीरे लाइट्स वगैरह पढ़नी है तो मैं आगे आने वाले चैनल्स में, सॉरी वीडियोस में, मैं आपको लाइट्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगी. एक बार नो रेंडर चेक करते हैं, थिंक ये आया नहीं है. तो वैल्यू बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी सी. ओके, सो ये फाइनल है. मैं इसका रेंडर स्टार्ट कर रही हूँ. जब तक इसका रेंडर निकलता है तब तक आप लोग गोल्ड की, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं गोल्ड की जो भी वैल्यूज होगी मैं आपको नोट डाउन करके भेज दूंगी. तो ये आपके गोल्ड की वैल्यूज है जो मैं आपके स्क्रीन पे चला रही हूँ इस टाइम पे. आप इसको नोट कर लीजिए और अपने पास एक नोट पैड पे बना के रख लीजिए ताकि आपको बाद में ये चीज़ काम में आए. और मेरे को फॉलो करने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक का पेज मैं आपको बता देती हूँ. प्लीज़ यू कैन फॉलो मी देयर. थैंक यू सो मच.